हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दरोगा जी मोटिवेशन पे। आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जेल वार्डर और फायरमैन के डीबी के बारे में। डॉक्यूमेंट डीबी क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें क्या होगा। आपका रिजल्ट आ चुका है, आपका नाम आ चुका होगा लिस्ट में। अब आपको एक डेट मिली होगी 16 मार्च या जितने भी मार्च, आपको जाना होगा डीबी, उसमें एड्रेस दे रखा होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड निकालने के बाद आपको क्या क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले अपने जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा के, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, हाई स्कूल की मार्कशीट या सनद, या सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट होगी कुछ लोगों के पास, कुछ के पास मार्कशीट और सनद दोनों होंगी, हाई स्कूल, इंटर, जाति प्रमाण पत्र, और ध्यान रहे जाति प्रमाण पत्र वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, और मूल निवास, स्थायी प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स क्या कराना है आपको, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, या फिर पशु चिकित्सा अधिकारी से, या फिर किसी इंटर कॉलेज से अटेस्ट कराने, मतलब क्या कराना होता है, प्रमाणित कराने होते हैं, ठीक है। प्रमाणित कराने के बाद आपको दो सेट बना के ले जाओ, आप दो सेट ले जाने के बाद सबसे पहले क्या होगा, आपको जो जहाँ भी बुलाया होगा किसी पुलिस लाइन में, आप वहाँ पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद आपकी एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद आपका एक पैनल बनेगा। पैनल बनने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे, आप जाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आपका आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको एक किट टाइप की दी जाएगी, ठीक है, फाइल दी जाएगी, मतलब एक फाइल होगी आपका, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उस वक्त है आपको उसमें कागज़ लाने होंगे अपने। कागज़ लगाने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी, एंट्री होने के बाद आपके कागज चेक किए जाएंगे ओरिजिनल, और वो उसके बाद आपका वो फाइल में जो आपकी फ़ोटो स्टेट होंगे वो जमा हो जाएंगी। जमा होने के बाद आपको अंदर भेज दिया जाएगा। अंदर जाने के बाद आपका हाइट और चेस्ट नपेगा, ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, और चेस्ट 79.5 सेंटीमीटर का फैलाव 84। लड़कियों के लिए सिर्फ हाइट होनी चाहिए और वेट होना चाहिए 40 किलो। लड़कियों के लिए हाइट कितनी होती है, 152 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका फिर आपके दोबारा एक बार कागज़ चेक होंगे जो आपको फाइल वाइल में लगाए होंगे, ठीक है, वो आपके स्थाई और जाति दोबारा से चेक होंगे। उसको होने के बाद बस आपका कुछ देर वेट करना पड़ेगा। कुछ देर वेट करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट होने के बाद आपके साइन हो जाएंगे और जी हो गया आपका डीबी। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आएगा, मतलब फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद आपको फिजिकल देने जाना होगा जहाँ भी आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या होता है, 4800 मीटर की रेस होती है, 25 मिनट का टाइम होता है, 12 चक्कर लगाने होते हैं ग्राउंड के, ग्राउंड टाइप का होता है, 400 मीटर का ग्राउंड होता है, 12 चक्कर लगाने होते हैं, चक्कर आपको स्वयं गिनने होते हैं। अगर आप एक आध भी चक्कर ऊपर नीचे हो जाता है तो आपके स्वयं की जिम्मेदारी है। उसमें क्या होगा, उसमें भी सिंपल होगा, आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, वहाँ आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, फोटो और एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। उसके बाद वहाँ आपको वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद आपको एक चिप मिल जाएगी। चिप मिलने के बाद आपके पैर में लग जाएगी। चिप कैसे कैसे, कुछ लोग कितने गिर जाएगी, हो जाएगा वो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा, आपके पैर में वो इस तरीके से लग जाएगी। उसके बाद आपको 12 चक्कर लगाने होते हैं, टाइम वो चिप ऑटोमेटिक कैलकुलेट करती है, बिल्कुल नो टेंशन, आपको 12 की जगह 13 चक्कर लगाने और टाइम के टाइम देख के, ठीक है ना, 25 मिनट का टाइम, टाइम ज़्यादा नहीं हो जाए और चक्कर कम नहीं रह जाए, दोनों बिल्कुल बढ़िया से ध्यान रखना है बस। उसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल होने के बाद आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, फिर आपका वो रिजल्ट हो जाएगा, साइन हो जाएंगे, साइन होने के बाद आप घर आ जाएंगे, बस हो गए आप कॉन्स्टेबल, सोच लो। कुछ दिनों बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका मेडिकल के लिए डेट आएगी, मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद LIU वेरिफिकेशन होगा। LIU वेरिफिकेशन के बाद आपकी JTC प्रारंभ हो जाएगी। JTC के बाद आपकी RTC स्टार्ट हो जाएगी। सारा कुछ बता दिया मैंने 4 मिनट में क्या क्या प्रोसेस है, तो बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।